हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट जैसा आज हम घर पे बना के रेडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये है मेरी पिज़्ज़ा डो जो कि मैंने घर पे बना के रेडी की है। तो मैं इसका भी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर डालने वाली हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप आराम से घर पर पिज़्ज़ा डो अपना बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा डो को मैंने उसी पैन में रख लिया है जिसमें मैंने इसको बेक करना है। तो अब हम ऊपर से डालेंगे इस पर पिज़्ज़ा सॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे तो उससे और भी ज़्यादा फ्लेवर और टेस्टी बनने वाला है पिज़्ज़ा। तो इसको पहले हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपनी पिज़्ज़ा डो के ऊपर। और इसको स्प्रेड करने के बाद अब हम डाल देंगे यहाँ पर मायनीज। तो मायनीज आप यहाँ पर डाल दीजिए, अच्छे से खूब सारा डाल दीजिए और इसको भी इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। तो अच्छे से पूरा पिज़्ज़ा पे इसको आप अच्छे से इसको फैला दीजिए। और इसको फैलाने के बाद अब हम लेंगे चीज़, और चीज़ को हमने यहाँ पे करना है ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आप एक प्लेट में ग्रेट करके भी पूरे में फैला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर ही इसके ग्रेट कर रही हूँ। तो खूब सारा चीज़ यहाँ पे आप ग्रेट करके डाल दीजिए, अगर कम खाते हैं तो कम डालिए। तो इसको अब हम अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग जो कि सैशेज में आती है। तो आप पिज़्ज़ा सीजनिंग यहीं पर इस स्टेप पर आप डाल दीजिए। अब हम डाल देंगे टॉपिंग। तो मैंने यहाँ पे जो वेजीज लिए हैं वो मैं यहाँ डालने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो को कट किया है, प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है और मशरूम लिया है। तो ये सब मैं यहाँ पे अब डालने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पे वेजीज को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पे डाल रही हूँ मैं बटर। तो बटर आप यहाँ पे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरी, बहुत टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बटर भी डाल दीजिए। और उसके बाद अब जो हमने चीज़ की स्लाइसेस डाली हैं, इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। तो अब हम फिर से चीज़ को लेंगे और ऊपर से हम फिर से चीज़ ग्रेट करके इस पूरी जो टॉपिंग हमने रखी है, टॉपिंग के ऊपर पूरे में चीज़ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा जो पिज़्ज़ा जो हमारा है वो रेडी है बेक करने के लिए। तो अब बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो माइक्रोवेव पे आपको सिर्फ 2 मिनट लेना है, और 2 मिनट में आपका जो पिज़्ज़ा है वो बेक होके रेडी हो जाएगा। और अगर आप बना रहे हैं कन्वेंशन मोड पे, तो कन्वेंशन मोड पे आपको 180 डिग्री पे 10 to 15 मिनट तक आपको इसको बेक करना है। तो अगर आप कढ़ाई में या तवे पे बना रहे हैं तो उसको भी आप पहले प्री हीट कर लीजिए, और 10 टू 15 मिनट के बीच में ही आपका पिज़्ज़ा जो है वो कढ़ाई और तवा में भी बेक होके रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से बेक करके ले आती हूँ। तो मैं इसको माइक्रोवेव पे बेक करने वाली हूँ। 2 से 3 मिनट में मेरा जो पिज़्ज़ा है वो माइक्रोवेव में बेक होके रेडी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब इसको बेक करने के बाद। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा जमी जमी पिज़्ज़ा जो है वो बेक होके आ गया है। तो देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए, चीज़ मेल्ट हुआ हुआ देखिए, वेजीज को देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है देखने में ही, और बहुत अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब मुझे इस पैन से इसको बाहर निकालना है, नहीं तो इसमें कटिंग के निशान लग जाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज़्ज़ा कटर। तो पिज़्ज़ा कटर से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा है ये, पिज़्ज़ा डो भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए देखिए कितने आराम से कट रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पिज़्ज़ा की वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कर देना। तो लीजिए आपका यमी यमी पिज़्ज़ा बनके रेडी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर से नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। वेरी टेस्टी, वेरी यमी। मार्केट से लेने का कोई फायदा नहीं है। एक बार बना लीजिए, मार्केट से लाना भूल जाओगे।